हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक्ड लिस्ट, हमारे पास दो लिंक्ड लिस्ट दिया है, हमें क्या करना है, उनका इंटरसेक्शन निकालना है। अब इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन हम लोग उसको बोलते हैं कि अगर कोई एलिमेंट दोनों लिंक्ड लिस्ट में प्रेजेंट है, वो क्या है, उसका इंटरसेक्शन है। जितने भी एलिमेंट जो दोनों लिंक्ड लिस्ट में प्रेजेंट है उनको रिटर्न करना है। जैसे देखो, हमारे पास लिंक लिस्ट 1 है 964238, लिंक लिस्ट 2 है 1286, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन रिटर्न करना है। मतलब जो एलिमेंट लिंक लिस्ट 1 में है, अगर सेम टू सेम वही एलिमेंट लिंक लिस्ट 2 में है तो उसे हमें रिटर्न करना है। तो देखो, जैसे 6 इसमें है तो 6 इसमें भी है तो 6 आंसर में आ जाएगा, 2 इसमें है 2 इसमें भी है तो 2 आंसर में आ जाएगा, 8 इसमें है 8 इसमें भी है तो 8 आंसर में आ जाएगा, 9 इसमें है 9 इसमें नहीं है तो आंसर में नहीं आएगा, 1 इसमें है 1 इसमें नहीं है तो आंसर में नहीं आएगा। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपको फिर भी क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीका समझाता हूँ और काफी अच्छा से बताऊंगा, ताकि आप भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसने इस वीडियो को देख लिया तो आप इस क्वेश्चन की बैंड बजा पाएंगे। इसी बात पर आप चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। जैसे देखो, हमारे पास लिंक लिस्ट है 964238, दूसरा क्या है 1286। तो जब भी एक क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, आपको बोलना है सर मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। देखो, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक करंट पॉइंटर यहां रख लूंगा और एक यहां रख लूंगा, दोनों के हेड पर, हेड वन पर और हेड टू पर। मैं क्या करूंगा, हेड वन पर जाऊंगा इस पर, और ये जो एलिमेंट 9 है मैं इस लिंक लिस्ट में सर्च करूंगा, क्या 9 इसमें प्रेजेंट है। तो मैं देख रहा हूँ 9 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा आगे। फिर मैं देखूंगा क्या जो 6 है इसमें 6 प्रेजेंट है, मैं पूरा का पूरा लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करूंगा, यस इसमें 6 प्रेजेंट है, और जैसे ही 6 प्रेजेंट है तो मैं आंसर में 6 को रख लूंगा, ठीक। फिर मैं वीडियो में फिर मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट 4, मैं 4 पर जाऊंगा, चेक करूंगा क्या इसमें 4 है, तो मैं देख रहा हूँ 4 नहीं है, तो मैं फिर आगे जाऊंगा। मैं जाऊंगा 2 पर, चेक करूँ क्या इसमें 2 है, इस लिंक लिस्ट में मैं चेक करूँगा क्या 2 है, यस 2 है, और जैसे ही मुझे 2 मिलेगा मैं क्या करूँगा, 6 के एंड में 2 को ऐड कर दूंगा, 6 के एंड में। अब 6 के एंड में कैसे ऐड करना है ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है किसी भी लिंक लिस्ट के टेल में कैसे एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो उस फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ूंगा आगे। फिर मैं जाऊँगा 3 के पास और इस लिंक लिस्ट में चेक करूँगा क्या 3 है, 3 नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं जाऊंगा 8 के पास, मैं चेक करूंगा क्या जो 8 है इस लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, और जैसे ही प्रेजेंट मुझे मिलेगा मैं क्या करूंगा, इसके टेल में 8 को ऐड कर दूंगा, इसके टेल में 8 को ऐड कर दूंगा, और लास्ट में इसका जो हेड है इसको रिटर्न कर दूंगा, और यही तो मुझे चाहिए, और यही तो मुझे चाहिए। तो अगर इसमें एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो एक एलिमेंट के लिए मतलब 9 को सर्च करने के लिए कि इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, मुझे एन एलिमेंट्स को ट्रावर्स करना पड़ रहा है, एन एलिमेंट में मुझे सर्च करना पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक के लिए मुझे एन टाइम लग रहा है, तो एम एलिमेंट्स के लिए कितना टाइम लगेगा, ओ ऑफ एम इंटू एन। तो भैया क्या ये अच्छा सोल्यूशन है? नहीं यार, अच्छा सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक सोल्यूशन है जिसे आप बता सकते हैं, जिसे आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार जब तक उन्हें पता नहीं रहेगा कि कैसे भी आंसर कैसे निकालते हैं, उन्हें ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन का वैल्यू पता नहीं चलेगा, राइट। तो पहले कैसे भी सॉल्यूशन निकालना होता है और फिर उसको हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा भैया, कुछ नहीं होगा, तो ओ ऑफ क्या होगा, 1। ये हमारा क्या है, नाइव सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है, नाइव सॉल्यूशन। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बार बार मैं ट्रावर्स कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 9 को मुझे सर्च करना है तो मैं बार बार इसमें देख रहा हूँ, मतलब 6 को सर्च करना तो फिर मैं पूरे लिंक लिस्ट में देख रहा हूँ। तो ऐसा कुछ मुझे डेटा स्ट्रक्चर मिल जाए जिसमें मैं एक बार में सर्च कर सकूँ तो हमारा काम हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, ये जो लिंक लिस्ट 2 है इसको अनऑर्डर्ड सेट में रख दूंगा। क्यों? क्योंकि यार अनऑर्डर्ड सेट में अगर मैं रख दिया तो एक बार में एलिमेंट को सर्च करना काफी आसान हो जाता है, और मैं सर्च कर लेता हूँ, ये हमारा अनऑर्डर्ड सेट है, समझ लो अनऑर्डर्ड सेट है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, 9 पर जाऊंगा, 9 पर अब मैं क्या करूंगा, 9 पर जाऊंगा, 9 पर गया, ये हमारा हेड है, मैं करंट को हेड पर पॉइंट कर दूंगा, ठीक। मैं 9 पर गया और चेक किया क्या जो 9 है इसमें प्रेजेंट है,
तो मैं देख रहा हूँ इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर मैं आगे जाऊँ, फिर मैं चेक करूँ क्या जो सिक्स है, सिक्स इसमें प्रेजेंट है, हाँ सिक्स प्रेजेंट है, तो सिक्स को मैं आंसर में रख लूंगा सिक्स। फिर मैं आगे जाऊँगा, चेक करूँ क्या जो फोर है, फोर इसमें प्रेजेंट है, नहीं है, फिर मैं आगे जाऊँगा। मैं चेक करूँ क्या जो टू है इसमें प्रेजेंट है, यस टू इसमें प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँगा सिक्स के एंड में टू को ऐड कर दूंगा या फिर टेल में, ठीक है। फिर मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। और नेक्स्ट जो थ्री है, थ्री क्या थ्री इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, थ्री इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। एट क्या एट इसमें प्रेजेंट है, यस एट इसमें प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा टू के एंड में एट को ऐड कर दूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, और ये हमारा आ जाएगा क्या नल। जब नल आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा इसको रिटर्न कर दूंगा, इसके हेड को रिटर्न कर दूंगा, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब मैं अनऑर्डर सेट यूज करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक बार में एलिमेंट को फाइंड आउट कर लेता हूँ। अगर मुझे चेक करना है कि फोर इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, तो मुझे सारा का सारा एलिमेंट ट्रावर्स करने की जरूरत नहीं है, मैं फाइंड फंक्शन लगाऊंगा और एक बार में ही फाइंड कर लूंगा, राइट। इसीलिए हमारा इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगा वो ओ ऑफ एन हो जाएगा, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ ऑफ एन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं। तो चलिए मैं आपको अब सोल्यूशन दिखाता हूँ, और यहाँ ड्राई रन करके बेसिकली दिखाता हूँ कैसे चीजें काम करती हैं। तो देखो मैं हेड को क्या कर लूंगा, नल मान लिया हूँ, और करंट को मान लिया हूँ नल, ठीक है। और मैं एक अनऑर्डर सेट बना लिया हूँ, और मैं क्या किया हूँ, जो करंट जो लिंक लिस्ट टू है उसको मैं क्या करूंगा सेट में डाल लूंगा, ठीक। अब मैं लिंक लिस्ट वन में जाऊंगा और हर एक एलिमेंट को मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा क्या ये सेट में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा जो है इसे क्या हो रहा है, एलिमेंट को मैं टेल में एंड करता हूँ, टेल में ऐड करता हूँ, एलिमेंट को नोड को मैं उसके एंड में इंसर्ट करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अगर कोई एलिमेंट मिल गया, जैसे सिक्स मिल गया, सिक्स सिक्स मिल गया, तो सिक्स को मैं पहले टेम्प में रख लूंगा, टेम्प में मैं रख लूंगा। और मैं क्या करूंगा, अगर हेड नल है तो हेड का वैल्यू टेम्प कर दूंगा और करंट का वैल्यू टेम्प कर दूंगा, नहीं तो करंट का नेक्स्ट वैल्यू टेम्प कर दूंगा। अगर नल है तो करंट का जो नेक्स्ट है, करंट का नेक्स्ट, जिस करंट पहले मैंने क्या माना है, जिस करंट हमने क्या माना है, अगर कोई एलिमेंट है उसका नेक्स्ट मैं कर दूंगा। मतलब क्या कि अगर कोई एलिमेंट अगर नहीं है, अगर नल है, तो उसका नेक्स्ट मैं कर दूंगा सिक्स को, और फिर सिक्स का नेक्स्ट अगर कोई टू आ रहा है उसको कर दूंगा, फिर उसको कर दूंगा, और लास्ट में क्या कर दूंगा इसका हेड का नेक्स्ट इसको रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो ये जो हमारा कोड है इसे क्या हो रहा है, इसे क्या हो रहा है, इससे हमारा एलिमेंट जो है एंड में इंसर्ट हो रहा है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप मेरा लिंक लिस्ट का शुरू से वीडियो देखो, क्योंकि मैं हर एक चीज यहाँ नहीं बता सकता, मैं शुरू से 60 वीडियो बना रहा हूँ, 60 वीडियो, जिसमें मैंने सारा का सारा बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर किया है। तो आप पहले उसको देखो कि किसी भी लिंक लिस्ट में उसके एंड में एलिमेंट को कैसे इंसर्ट करते हैं, ये बेसिकली हमारा एंड में इंसर्ट कर रहा है, राइट। और ऐसे इंसर्ट करते जाना है, हो गया हमारा काम खत्म। हमने क्या किया है, एक अनऑर्डर्ड सेट बनाया है और इस लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करना शुरू किया है, कोई भी एलिमेंट अगर इसमें प्रेजेंट है तो उसको यहाँ आंसर में रखो और फिर उसके टेल में ऐड करते जाओ, जो मिल रहा है उसके टेल में ऐड करते जाओ और रिटर्न कर दो, तो हमारा कोड हो गया। और सेम टू सेम यही कोड हमारा जावा में है, इसमें कुछ भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो हमने इसमें एक सेट बनाया है और जो लिंक लिस्ट टू है उसके एलिमेंट को हमने सेट में डाल दिया, फिर लिंक लिस्ट हमने वन में गया है और चेक किया क्या उसमें एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। अगर एलिमेंट जो सेट वन में है, जो हमारा लिंक लिस्ट वन में है, अगर वही एलिमेंट हमारा सेट में प्रेजेंट है, मतलब क्या वही आंसर में होगा, तो ये जो हमारा कोड है एलिमेंट को उसके एंड में, लिंक लिस्ट के एंड में एलिमेंट को इंसर्ट करेगा और लास्ट में हेड वन को करते जाना है और लास्ट में रिटर्न कर देना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा कितना होगा, ओ ऑफ एन हो जाएगा। स्पेस कितना होगा, ओ ऑफ एन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्पेस में यूज कर रहा हूँ सेट। अब मैं क्या करूंगा आपको कोड चलिए रन करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप डीएसए हैंड रिटन नोट चाहते हैं एकदम स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक पर जाकर उस हैंड रिटन नोट्स को ले सकते हैं जिसमें जितने भी डीएसए के कंसेप्ट हैं, एल्गोरिदम है, सारा का सारा मेंशन किया गया एकदम अच्छा से। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मजा आ गया, जो आप चीजें करने जा रहे हैं आपको मजा आ जाएगा। या फिर आप चाहते हैं नहीं यार मुझे जो डीएसए है वो वीडियो के थ्रू ही समझ में आएगा, तो आप गिग्स पर गिग्स का इस डीएसए को ले सकते हैं जो C++ और जावा दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और अगर आप त्रिलोकी 10 कूपन कोड को लगाएंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। अब मैं चलिए आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा आपको कोड रन करके दिखाऊंगा। ये है हमारा सी, ये हमारा जावा का कोड, मैं पहले आपको जावा का दिखा देता हूँ, ये हमारा जावा का कोड है,
ठीक है, आप जावा कोड देख लो, वीडियो को पॉज करना और इसको ड्राई रन करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राई रन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, और फिर वही कमेंट आते रहेगा कि भैया मुझे समझ में आया ही नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, आप ड्राई रन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है जैसे कि आपको पता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं क्या करूंगा, आपको सी प्लस प्लस का कोड रन करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा सी प्लस प्लस का कोड जो मैंने आपको बताया है, सेम टू सेम वही कोड है। मैं सिंपली कर दूंगा सबमिट पर क्लिक, क्योंकि किसी भी कोड को रन करने से पहले मैंने बहुत बार इसको रन करके देखा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने हमने क्या किया है कि इंसर्ट, हमने इंसर्ट एट द टेल यहाँ लिख दिया है, या फिर आप इसका एक फंक्शन बना सकते हैं, जैसे यहाँ हेड है इंसर्ट एट एंड, और फंक्शन को भी आप कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको करके देखा है कि ये रन कर रहा है कि नहीं, ये भी हमारा सही है, राइट। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कोई धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।